नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के मंत्र को हम लोग देख रहे थे। उस मंत्र को हमने पहले दिया था, 5-7 मंत्र। अभी हम आगे के मंत्रों को यहाँ पर देखें। मंत्र संख्या 8, यजुर्वेद अध्याय 32। ओम तद्वास्यन निहितं गुहा सदत्रं वेश्वं भवते कनीडं तस्मिन्नानिदं समच विजयति सर्वं सोतः प्रतस्य विभो प्रजायुषु। हे मनुष्यो, यत्र जिसमें विश्वम सब जगत एक निडम एक आश्रम वाला है, भौति होता है, तत् उस गुहा बुद्धि व गुप्त कारण में निहित स्थित सत्य नित्य चत चेतन ब्रह्म को वेलह पंडित विद्वान जन पश्यत ज्ञान के द्वारा देखते हैं। तस्मिन उसमें इदम या सर्वम सब जगत का सम एति प्रलय में संगत होता है और उत्पत्ति के समय में भी पृथक स्थूल रूप से विद्यमान रहता है, च भी होता है। स वह विभु विचित्र प्रकार व्याप्त हुआ प्रजासु प्रजाओं में ओतप्रोत होता है। स ठाड़े सूत में जैसे वस्त्र, जिस प्रकार से वस्त्र वस्त्रों को आपस में गूंथ करके तागों को सूत को गूंथ करके कपड़ा बनाया जाता, उसी प्रकार से ईश्वर जो है प्रत्येक वस्त्र में गूंथा हुआ है। आड़े सूत में जैसे वस्त्र वैसे ओतप्रोत रहा है, वही सबको उपासना करने के योग्य है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक घोंसले के समान है और उस घोंसले को बनाने वाला ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ परमेश्वर है। इसमें जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबका धारण करने वाला, पोषण करने वाला, पालन करने वाला ईश्वर। हे मनुष्यों, विद्वान जिसको बुद्धि बल से जानता है, जो सब आकाश आदि पदार्थों का आधार, प्रलय में सब जगत जिसमें लीन होता है और उत्पत्ति समय में जिससे निकलता है और जिस व्याप्त ईश्वर के बिना कुछ भी वस्तु खाली नहीं है, उसको छोड़कर किसी अन्य की उपासना मत करो। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। ओम प्रातद्वचेदमृतम नो विद्वान गंधरो ध्याम विभृतम गुहासत त्रिपादानि निहिता गुहास्यस्तानि वेदः सः पीतुः पीता यसत। हे मनुष्यो, जो गंधर्व वेदवाणी को धारण करने वाला विद्वान पंडित गुहा बुद्धि में विभृतम विशेष धारण किए हुए अमृतम नाश रहित धाम मुक्ति के स्थान को तत् उस सत्य नित्य चेतन ब्रह्म का नु शीघ्र प्रवोचत गुणक्रम गुण कर्म और स्वभाव के साथ उपदेश करता है और जो अस्य इस अविनाशी ब्रह्म के गुहा ज्ञान में निहिता स्थित पदानी जानने योग्य त्रिणी तीन उत्पत्ति स्थिति प्रलय अथवा भूत भविष्य वर्तमान काल है तानी उसको वेद जानता है। स्वः पितुः अपने पिता का सर्वरक्षक ईश्वर का पिता ज्ञान देने वाला आस्तिक आस्तिकत्व रक्षक असत होवे। मनुष्य जो विद्वान लोग ईश्वर के मुक्ति साधक बुद्धि बुद्धिस्त स्वरूप का उपदेश करे, ठीक ठीक पदार्थों और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जाने, वे अवस्था में बड़े पिताधिकों के भी रक्षा के योग्य होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।
फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, सहरो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमान सहनाश्रितये ध्यामन्यधैर्यंत। वह परमेश्वर कैसा है? सहनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमान सहनाश्रितये ध्यामन्यधैर्यंत। वह परमेश्वर हे मनुष्यो, यत्र जिस तृतीय जीव और प्रकृति से विलक्षण धामान आधार रूप जगदीश्वर में अमृतम मोक्ष सुख को आनसाना प्राप्त होते हुए देवा विद्वान लोग अध्ययरंत सर्वत्र अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं, जो विश्वा स्वभुवनानि लोक लोकांतरों और धामानि जन्म स्थान नामों को वेद जानता है, स्वह परमात्मा न हमारा बंधु भाई के तुल्य मान्य सहायक जनिता उत्पन्न करने वाला, सह वही विधाता सब पदार्थों और कर्मों का कर्म फलों का विधान करने वाला है, यह निश्चय करो। हे मनुष्यों, जिस शुद्ध स्वरूप परमात्मा में योगी राज विद्वान लोग मुक्ति स्वरूप को प्राप्त मुक्ति सुख को प्राप्त होकर आनंद करते हैं, उसी को सर्वज्ञ सर्वोत्पादक और सर्वदा सहायकार मानना चाहिए, अन्य को नहीं। वह परमेश्वर कैसा है? अगले मंत्र में फिर कहा है, ओम परित्य भूतानि परित्य लोकानि परित्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च उपस्थ्याय प्रथमजामृतस्यात्मानं तमानमभि संविवेशः। हे विद्वान, आप जो भूतान प्राणियों के परित्य सब और व्याप्त होके लोकान पृथ्वी सूर्य आदि लोकों को परित्य सब और से व्याप्त होके च और ऊपर नीचे सर्वाह सब प्रदिश अग्नि आदि उपदिशा तथा दिशह दिशह पूर्व आदि दिशाओं को परित्य सब और से व्याप्त होके ऋतस्य सत्य के आत्मा नम स्वरूप का अधिष्ठान को अभी संविवेश सन्मुखता के सम्मुख प्रवेश करता है, प्रथम जाम प्रथम कल्प आदि में उत्पन्न चार वेद रूपी बाणी को उपास्याय पढ़वा सम्यक सेवन करके आत्मना अपने शुद्ध स्वरूप व अंतःकरण से उसको प्राप्त होजिए। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म के आचरण वेद और योग के अभ्यास तथा सत्संग आदि कर्म से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अंतःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वत्र अभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त होके सुखी हो। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, ओ परित्यावा पृथ्वी सद्यित्वा परिलोकान परेदिशः परेश्वः ऋतस्य तन्तुं वेद तं वेच्छृत्यं तदपश्यत् तद्भवा तदासि। पदार्थ, हे मनुष्यो, जो परमेश्वर द्यावा पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी भूमि को सद्य शीघ्रित्वा प्राप्त होके परिअपश्यत् सब ओर से देखता है, जो लोकान देखने योग सृष्टस्थ भूगोलों को शीघ्र प्राप्त होके परिअभूत सब ओर से प्रकट होता है, जो दिशा पूर्वादि दिशाओं को शीघ्र प्राप्त होके परियासित सब ओर से विद्यमान है, जो स्वह सुख को शीघ्र प्राप्त होके परि सब ओर से देखता है, जो ऋतस्य सत्य के विततम विस्तृत तंतुम कारण को विचृत्य विविध प्रकार से बाध के तत् उस सुख को देखता है, जिससे तत् वहाँ सुख हुआ और जिससे तत् वहाँ विज्ञान हुआ है, उसको यथावत जान के उपासना करो। जो मनुष्य परमेश्वर ही का भजन करते हैं और उसी की रची सृष्टि को सुख के लिए उपयोग में लाते हैं, वे इस लोक परलोक और विद्या से हुए सुख को शीघ्र प्राप्त होके निरंतर आनंदित होते हैं। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा गया है, ओम
सदसपति मद ऊतम प्रियविन्द्रस्य काम्यं सनिमेधा मायाशीसं स्वाहा। पदार्थे मनुष्य, मैं स्वाहा सत्क्रिया व वाणी से जिस शवसह सभा ज्ञान न्याय व दंड के पतिम रक्षक अद्भुतम आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले इंद्र से इंद्रियों के मालिक जीव के काम्यम कमनीय प्रियम प्रीति के विषय प्रसन्न करने वाले अथवा प्रसन्न रूप विभाग से परमात्मा की उपासना और सेवा करके सनिम सत्य सत्य का जिससे सम्यक विभाग किया जाए उस मेधाम उत्तम बुद्धि को आयाशीसम प्राप्त हूँ, उस जगदीश्वर की सेवा करके इस बुद्धि को तुम लोग भी प्राप्त हो। जो मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का सेवन करते हैं सब विद्याओं को पाकर शुद्ध बुद्धि से सुखों को प्राप्त होते हैं। मनुष्य को ईश्वर से बुद्धि की याचना करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। ॐ या मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। पदार्थ, हे अग्नि, स्व प्रकाश स्वरूप होने से विद्या के जताने हारे ईश्वर अथवा अध्यापक विद्वान देवगणा अनेकों विद्वान च और पितर रक्षा करने वाले ज्ञानी लोग याम जिस मेधाम बुद्धि अथवा मन को उपासते प्राप्त होके सेवन करते हैं तथा उस मेधया बुद्धि व धन से माम मुझको अद्य आज ही स्वाहा सत्यवाणी से मेधाभिनम प्रशंसित बुद्धि व धन वाला कुरु कीजिए। मनुष्य लोग परमेश्वर की उपासना और आप्त विद्वानों की सम्यक सेवा करके शुद्ध विज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त होंगे और बुद्धि को प्राप्त हो, अर्थात यह बुद्धि प्राप्त करने का मंत्र है। अगला मंत्र फिर उसी बुद्धि को विकसित करने के लिए मंत्र है। ओ मेधाम मे वरुणो दधातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रस्य वायुस्य मेधाम दधातु मे स्वाहा। हे मनुष्यो, जैसे वरुण अग्नि अतिश्रेष्ठ परमेश्वर अथवा विद्वान स्वाहा धर्मयुक्त क्रिया से मेरे लिए मेधाम शुद्ध बुद्धि व धन को धातु देवे अग्नि विद्या से प्रकाशित प्रजापति प्रजा का रक्षक मेधाम बुद्धि को देवे इंद्र परमेश्वरवान मेधाम बुद्धि को देवे च और वायु बलदाता बलवान मेधाम बुद्धि को देवे च और धाता सब संसार व राज्य का धारण करने वाला ईश्वर व विद्वान में मेरे लिए बुद्धि धन को ददातु देवे वैसे लोगों को भी देवे। मनुष्य को जैसे अपने लिए गुण कर्म स्वभाव और सुख को चाहे औरों के लिए भी चाहे वैसा दूसरों के लिए भी चाहे, जैसे अपनी अपनी उन्नति की चाहना करे वैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट से अन्यों की उन्नति की प्रार्थना करे, केवल प्रार्थना ही न करे किंतु सत्य आचरण भी करे। जब जब उसे विद्वानों के निकट जावे तब तब सबके कल्याण के लिए प्रश्न अथवा उत्तर किया करे। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। यह यजुर्वेद अध्याय 32 का अंतिम मंत्र है। ओ इदं मे ब्रह्मा सचत्रं चोभे श्रियमाश्नुताम् मयि देवादो श्री मुतत्तमाम् तस्मै ते स्वाहा। हे परमेश्वर, आपकी कृपा और हे विद्वान, तेरे पुरुषार्थ से स्वाहा सत्य आचरण क्रिया से मैं मेरे इदम से ब्रह्मा वेद ईश्वर का विद्वान
अथवा इनका ज्ञान दाता पुरुष च और क्षत्रम राज्य धनुर्वेद विद्या और क्षत्रिय कुल च भी ये उभे दोनों श्री यमराज की लक्ष्मी की अश्नुताम प्राप्त हो जैसे देवा विद्वान लोग मई मेरे लिए मित्य उत्तमाम अतिश्रेष्ठ श्रियम श्रिय को यश को शोभा अथवा लक्ष्मी को दधतु धारण करे। हे जिज्ञासु जन ते तेरे लिए भी तस्मय उस श्री के लिए अर्थ हम लोग प्रयत्न करें। इस मंत्र में वाचक लुप्तो उपमालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं और विद्वानों की सेवा सत्कार से सब मनुष्यों के बीच से ब्राह्मण क्षत्रिय और सुंदर शिक्षा विद्या सद्गुणों से संयुक्त और सबकी उन्नति का विधान कर अपने आत्मा के तुल्य सब में बढ़ते वे सबको पूजने के योग्य होते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर विद्वान और बुद्धि तथा धन की प्राप्ति के उपायों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ के पूर्व अध्याय में कहे हुए अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए।